अब पढ़ते हैं इन्वर्टेड हैमर के बारे में। इन्वर्टेड हैमर कैसे काम करता है उसके बारे में सीखेंगे। तो देखो, इन्वर्टेड हैमर आपका सपोर्ट पे भी काम करेगा और रेजिस्टेंस पे भी काम करेगा, लेकिन मैं आपको प्रेफर करता हूँ मेनली आप इसको सिर्फ रेजिस्टेंस पे देखें, क्योंकि सपोर्ट पे ये क्या गलत बहुत बार होता है, यानी कि आपको बहुत बार सही ट्रेड भी मिलेंगी, बहुत बार गलत ट्रेड भी मिलेंगी, लेकिन रेजिस्टेंस पे आपको इन्वर्टेड हैमर पे जो ट्रेड मिलेंगी वो मैक्सिमम सही मिलेंगी। तो आप ट्राई करो कि आप इसको सिर्फ रेजिस्टेंस पे ट्रेड करो, वरना आप अगर चाहते हो तो इसको आप वहाँ पे भी ट्रेड कर सकते हो, सपोर्ट जोन यानी कि सप्लाई पे भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन ये सप्लाई पे थोड़ा सा कम वर्क करता है। उसके बारे में इसका लॉजिक समझते हैं कैसा काम करता है। तो सबसे पहले जब मार्केट बुलिश होता है ना, तब मार्केट ऐसे चलता रहता है, कैंडल्स बनती रहती है, लेकिन रेजिस्टेंस के पास जाते ही सेलर एक्टिवेट हो जाते हैं। तो जैसे ही सेलर्स एक्टिवेट होते हैं, बुलिश कैंडल बन रही होती है, तब वहां से एक रिवर्सल आता है, रिजेक्शन, और ऐसा कुछ इन्वर्टेड हैमर बनता है। इसकी छोटी से विक हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक रिजेक्शन आता है जिसकी वजह से इन्वर्टेड हैमर बनता है। अब ये रिजेक्शन हमें ये चीज शो करता है कि यहाँ पे मार्केट में बियर्स एक्टिवेट हो चुके हैं। तो इसके जब लो ब्रेक पे अपन एंट्री लेते हैं और इसका हाई अपन एसएल रखते हैं, तब उस केस में मार्केट उस डायरेक्शन में मूव करता है, अच्छे से मूव करता है। अब दोस्तों होता क्या है ना कि जब मार्केट कॉन्टिन्यूसली ऊपर की तरफ चढ़ रहा होता है और रेजिस्टेंस के पास हमें इन्वर्टेड हैमर दिखता है, तो अपन को थोड़ा सा डर लगता है ट्रेड लेने में। क्यों डर लगता है? क्योंकि ऐसा लगता है कि यार ये तो थोड़ा सा रिजेक्शन ही है, वापस ऊपर जा सकता है। लेकिन दोस्तों जब आप इस डर को निकाल दोगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा, छोटा एसएल मिलेगा। अब देखो दोस्तों कि यार अगर आपको 20 रुपए के एसएल पे 100 रुपये 150 रुपये मिल रहे हैं ना, तो उस केस में 20 रुपए का एसएल देना कुछ छोटी बात नहीं, मतलब बड़ी बात नहीं है ऐसा कुछ कि यार 20 रुपए ही जाएंगे। यानी कि अगर आप 2 लॉट में भी काम कर रहे हो बैंक निफ्टी के, तो 1000 रुपये जाने वाले हैं, लेकिन अगर आप जब सही हो गए तो 6000 7000 रुपये आने वाले हैं। तो दोस्तों एज अ ट्रेडर आपको ये कैलकुलेशन समझनी होगी कि आपको उस रिस्क के अगेंस्ट रिवॉर्ड कितना मिल रहा है। अगर आपको 1000 रुपये के अगेंस्ट 6000 रुपये मिल रहे हैं, तो उस केस में आप नेक्स्ट 6 हैमर पे ट्रेड करोगे, तब भी आपका जो प्रॉफिट है वो 0 to 0 खत्म होगा। यानी कि अगर आप नेक्स्ट 6 हैमर पे ट्रेड करते हो इन्वर्टेड हैमर पे, तो जरूरी थोड़ी है 6 गलत होंगे, 3 और सही हो जाते हैं, तो आपका 12000 13000 का, सॉरी 18000 तक का प्रॉफिट हो सकता है। तो आपको रिस्क के अगेंस्ट रिवॉर्ड कितना मिल रहा है वो समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये सीन है कि इन्वर्टेड हैमर जब रेजिस्टेंस के पास यानी कि या फिर आपके सप्लाई जोन के पास मिलता है, तब आप बाय करो। अब अपन इसको डिमांड जोन के पास बाय क्यों नहीं करते, कम क्यों करना चाहिए? क्योंकि दोस्तों देखो होता क्या है कि रेड कैंडल कॉन्स्टेंटली बन रही है, ये रेड कैंडल बनी। अब क्या होता है, यहाँ पे सप्लाई जोन के पास बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, तो एकदम से बड़ी कैंडल बनती है और उसके बाद उसका रिजेक्शन आके ऐसा कुछ यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनता है। अब दोस्तों देखो ऊपर से भी रिजेक्शन मिला अपन को सेलर की तरफ से, तो उस केस में क्या होता है कि यार अपन ना, हाँ मतलब कि इसका जैसे हाई ब्रेक होगा उसके बाद इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, लेकिन दोस्तों हाई ब्रेक होने के बाद अपन को यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, हाई तो ब्रेक हो जाता है लेकिन कैंडल क्लोज नहीं करती है, कैंडल क्लोज नहीं करती, उसके अंदर में क्लोज करती है। और नेक्स्ट में क्या होता है कि यहाँ पे लोग एंट्री ले लेते हैं, उनके एसएल यहाँ पे होते हैं, और जैसे एसएल हिट होते हैं मार्केट नीचे की तरफ चला जाता है। तो दोस्तों एसएल के बारे में भी समझना इंपॉर्टेंट है, वो अपन नेक्स्ट मॉड्यूल्स में सब सीखेंगे, एसएल, मार्केट स्ट्रक्चर, प्रॉफिट बुकिंग। तो मैं आपको अभी इन्वर्टेड हैमर के बारे में समझा रहा हूँ कि अपन को क्यों इसको डिमांड जोन पे कम ट्रेड करना चाहिए। अगर बहुत ही हाई डिमांड जोन है, आपको प्रोबेबिलिटी वहां से बहुत ज्यादा है मार्केट के ऊपर जाने की, तो उस केस में आप यहाँ पे ट्रेड करो, वरना आप इन्वर्टेड हैमर पे डिमांड जोन पे कम प्रेफर करो। मैं कम प्रेफर करता हूँ, मैं क्योंकि कम ट्रेड लेता हूँ यहाँ पे। तो अगर ऊपर की तरफ यानी कि रेजिस्टेंस के पास अगर इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, तो आप वहां पे ट्रेड करो, आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। सिमिलरली अगर रेजिस्टेंस के पास हैंगिंग मैन बन रहा है, तो वो नॉर्मली कम वर्क करेगा, हमेशा वर्क नहीं करेगा। मैंने आपको लास्ट में हैंगिंग मैन सिखाया था। तो आप दो चीज, दो नियम ये बना लो कि यार मैं डिमांड जोन के पास तो हैमर पे ट्रेड करूंगा, लेकिन इन्वर्टेड हैमर पे नहीं करूंगा, और सप्लाई जोन के पास मैं हैंगिंग मैन पे ट्रेड नहीं करूंगा लेकिन इन्वर्टेड हैमर पे ट्रेड करूंगा। तो उस केस में आपको जो प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम रहेगी। दोस्तों ट्रेड नहीं करना भी उतना ही जरूरी है जितना ट्रेड करना, क्योंकि नहीं करने में जब अपन को लॉस होता है ना, तो वो लॉस हमारे इमोशंस को कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो करता ही है। दोस्तों आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर अपने इमोशन में कंट्रोल लाने के लिए 3 साल लगेंगे कम से कम। तो उन 3 साल तक आपको
चीजें ध्यान में रखनी है। अगर आप 3 साल बाद आपको अगर लॉस भी होता है तो आपको ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा, लेकिन आपके अगर 6 महीने के ट्रेडिंग करियर में जो लॉस होता है ना, भले ही लॉस छोटा हो लेकिन वो आपको इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। तो इसलिए अपन को जहां अपन को ज्यादा प्रोबेबिलिटी मिल रही हो ना कि हाँ यार इस पॉइंट पे ये चीज ज्यादा वर्क कर सकती है, तो वहां पे ट्रेड करना हमारे लिए ज्यादा बेटर है। अब दोस्तों जरूरी नहीं कि इन्वर्टेड हैमर अगर रेजिस्टेंस के पास बना है तो हमेशा वो सक्सेस होगा ही होगा, तो उसके लिए भी अपन बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज देखेंगे, और उसके बाद गलत होते हैं तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन्वर्टेड हैमर को अगर अपन रेजिस्टेंस के पास ट्रेड करें तो वो हमारे लिए ज्यादा बेटर है। तो मैं आपको यही प्रिफर करूंगा कि आप इन्वर्टेड हैमर पे रेजिस्टेंस के पास ट्रेड करें, इसके ब्रेक पे आप अपना एंट्री लें और इसका हाई अपना SL रखें। ये सिनेरियो और 1:3 1:4 तक का आप टारगेट प्लान कर सकते हो। चलो उसको एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं आगे। जैसे कि आप ये है रेजिस्टेंस, सप्लाई एरिया हमारा, इस सप्लाई एरिया के पास देखो ये इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है। इस जगह अगर आपको दिख रहा हो तो ये इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है। अगर अपन इसका हाई लो SL लेते हैं, एंट्री और SL, तो आप टारगेट देखो आपको कितना बड़ा मिला है। इस केस में 1:5 का भी टारगेट मिल चुका है, यानी कि हमें SL छोटे, और अगर आप कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को होल्ड कर सकते थे तो एक ही दिन के अंदर अंदर आपको 1:10 से भी ज्यादा का प्रॉफिट मिला, 1:12 का। तो दोस्तों ये कोई खराब चीज नहीं है। यहाँ पे अगर आप गलत भी होते हो तो आपका छोटा SL जाएगा, लेकिन जब आप सही हो जाते हो तब बड़े बड़े प्रॉफिट्स आपको देखने को मिलते हैं। 1,000 रुपये की रिस्क पे आप 12,000 रुपये कमा रहे हो, वो कोई छोटी बात नहीं होती है। ये चीज आपको समझना जरूरी है कि आपकी रिस्क कितनी है और रिस्क के अगेंस्ट आप कितना पैसा कमा रहे हो। तो दोस्तों ये सारी चीजें अपन मार्केट में समझेंगे धीरे धीरे। इन्वर्टेड हैमर के रिलेटेड और चीजें देखते हैं। रेजिस्टेंस पे ये देखो, देखो यहाँ पे अपन ट्रेड नहीं कर सकते थे क्योंकि अपन को पता नहीं था कि यार ये रेजिस्टेंस एक सपोर्ट है, लेकिन जब मार्केट यहाँ से नीचे गिरा अपन को पता लग गया ये रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे देखो ये इन्वर्टेड हैमर बना ये यहाँ पे, और इसके अगेंस्ट अगर अपन ट्रेड लेते तो ये चीज देखो यहाँ पे भी आप अपना SL और रिस्क रिवॉर्ड देखो कितना बड़ा बड़ा अपन को ट्रेड मिल रहा है। और उसके बाद अगर आप देखो तो मार्केट जब रिवर्स हुआ, रिवर्स होने के बाद देखो मूविंग एवरेज का सपोर्ट और हैमर दोनों चीज अपन को मिल गई। दोस्तों और भी सपोर्ट है यहाँ पे, ये अपना डिमांड जोन है, तो यहाँ पे देखो मूविंग एवरेज का सपोर्ट और हैमर मिला, तो उसकी वजह से हमें अपसाइड की भी ट्रेड मिल चुकी थी। यहाँ पे सेम डे अपन को 2 ट्रेड मिली, ऐसा बहुत बार होगा सेम डे आपको 2 से 3 ट्रेड मिल सकती हैं। और देखो उसके बाद वापिस यहाँ पे हैमर बना, वापिस हैमर बना इस रेजिस्टेंस के पास, हैमर का हाई से थोड़ा सा ऊपर अपना SL, और यहाँ पे देखो वापिस आपको 1:2 के अप्रोक्स का टारगेट यहाँ मिल चुका था। तो दोस्तों बाजार प्रॉफिट देता है, बस समझने की जरूरत है कि कैसे आपको प्रॉफिट मिलेगा, क्या आपको बाजार में सिस्टम जनरेट करने, कैसे आपको होल्डिंग करनी है। आप अगर सिस्टम पे ट्रेड करते हो तो बाजार में प्रॉफिट मिलता है। इन्वर्टेड एमर पे मैंने आपको बहुत सारी चीजें दिखा दी है। अगर आप देखो यहाँ पे भी मौका मिला, यहाँ से जब रिट्रेसमेंट, यहाँ पे देखो हैमर वर्क नहीं किया, इस पॉइंट पे अपन गलत हो जाते क्योंकि यहाँ पे हैमर ने वर्क नहीं किया है, यहाँ पे सपोर्ट भी था और फिर भी हैमर ने वर्क नहीं किया है। अगर यहाँ देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस में इन्वर्टेड हैमर बना, इन्वर्टेड हैमर के बाद मार्केट फॉल हुआ, नेक्स्ट डे भी फॉल हुआ, इतना ज्यादा बड़ा फॉल मार्केट में अपन को देखने को मिला। और देखें अपन इन्वर्टेड हैमर, तो ये देखो ये इन्वर्टेड हैमर बना, अगर अपन यहाँ पे अपना एंट्री लेते हैं ये अपना SL टारगेट आप देखो 1:2 का यहाँ अपन को टारगेट मिल चुका है अप्रोक्स। दोस्तों रेजिस्टेंस पे इन्वर्टेड हैमर बहुत सारे मिलेंगे आपको और बहुत अच्छा काम भी करेंगे।
अब देखो यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बना, इसने अपना एसएल लिया, क्योंकि अपन अगर बड़े बड़े टारगेट्स बुक करते हैं तो उस केस में एसएल भी हिट हो सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे देखो बाजार मूव कर रहा था, इन्वर्टेड हैमर मिला 1:2 का, यहाँ अपन को टारगेट मिल चुका था। और देखें अपन तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर मिला 1:3 से ज्यादा का टारगेट हमें मिल चुका था। यहाँ पे देखो हैमर बना, हैमर बनने के बाद बाजार कितना ऊपर मूव हुआ। यहाँ पे देखो ये भी हैमर बना था मॉर्निंग में ही, लेकिन दोस्तों ये रेजिस्टेंस के पास था। ये देखो एक एंट्री ट्रिक है, मैं आपको एक चीज सिखाऊंगा आगे कि कैसे हम मॉर्निंग में 15 मिनट के ब्रेकआउट पे ट्रेड कर सकते हैं। अभी अपन कैंडलस्टिक पढ़ रहे हैं तो उसी पे फोकस करते हैं। देखो यहाँ पे भी आपको हैमर मिला 1:2 का टारगेट यहाँ पे मार्केट ने हमें दे दिया था। यहाँ देखो यहाँ पे भी हमें हैमर मिला है, ढंका हैमर ये मिला, ये हैमर ढंका मिला। ढंके हैमर के बाद देखो मार्केट नीचे की तरफ मूव हुआ, 1:2 का टारगेट यहाँ पे मिल चुका था। ये देखो यहाँ पे हैंगिंग मैन बना, हैंगिंग मैन के बाद मार्केट ने हाई ब्रेक किया वापस लो, मतलब आप अगर दूसरी बार भी आपको कैंडल क्लोज नीचे मिल जाती है तो एंट्री ले सकते हो। वो देखो डिपेंड करता है सिनेरियो क्या है, वो सारी चीजें अपन आगे सीखेंगे, अभी अपन हैमर पे देखते हैं। ये देखो ये इस पैटर्न को अपन इवनिंग स्टार बोलते हैं, ये भी अपने लिए अच्छा वर्क करता है, तो अपन इसके बारे में भी सीखेंगे इवनिंग स्टार पैटर्न। लेकिन दोस्तों अब एक चीज है, कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में अपन सीख रहे हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न के दो नियम आपको सबसे ज्यादा फॉलो करने हैं, ये जो बियरिश पैटर्न होंगे वो पैटर्न अपन लेंगे सप्लाई जोन के पास, बीच में कहीं बनते हैं तो अपन नहीं देखेंगे, लेकिन सप्लाई जोन के पास बियरिश दिख रहे हैं तो देखेंगे, और डिमांड जोन के पास अगर बुलिश पैटर्न दिख रहे हैं तभी ट्रेड करेंगे। दो स्ट्रिक्ट रूल है इस कैंडलस्टिक पैटर्न की एंट्री एग्जिट पे, सप्लाई डिमांड पे वर्क करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां से अपन को जो टारगेट्स है वो बड़े बड़े मिलते हैं, बीच वाले अगर अपन कैंडलस्टिक पैटर्न पे वर्क करते हैं तो वहां ऐसे लेट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो यही चीज आपको समझनी जरूरी है कि अपन इनको सिर्फ सप्लाई डिमांड पे वर्क करेंगे। सप्लाई डिमांड के रिलेटेड मॉड्यूल मिल जाएगी आपको, सपोर्ट रेजिस्टेंस रिलेटेड मिल जाएगी, मार्केट स्ट्रक्चर रिलेटेड, और फिर लास्ट में आपको एंट्री एग्जिट मिलेगा। उसमें अपन सारी चीजें सीखेंगे कि कैसे सब चीजों को कंबाइन करके एंट्री करनी है। तो ये था इन्वर्टेड हैमर के बारे में, इन्वर्टेड हैमर पे आपको कैसे ट्रेड करनी है, क्या करनी है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो आप हमसे डाउट पूछ सकते हो, आपको ऐप के अंदर एक मैसेज करने का फीचर मिल जाएगा, आप जैसे मैसेज करोगे आपको वहां पे क्वेरीज सॉल्व आपको हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें अपन बुलिश बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल के बारे में पढ़ेंगे।